Hello friends, welcome to SK Guidance channel. On this channel you will receive all the video regarding jobs, career and courses. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको ये डाउट है कि हमें टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद या फिर आई टी आई के बाद कौन सा करियर या कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए। वैसे मैंने आई टी आई पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं कोर्सेज से रिलेटेड, आप उसे देख सकते हो। लेकिन डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथ है जिसे आप चूज़ कर सकते हो और अपना करियर काफ़ी अच्छा उसमें बना सकते हो। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का पॉलिटेक्निक का कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली वॉट इट इज़, तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पॉलिटेक्निक पे ही बात करेंगे फ्रेंड्स, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे पॉलिटेक्निक क्या होता है, उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसमें आपका करियर कैसा रहेगा और जो बेस्ट कॉलेजेस है पॉलिटेक्निक के वो सब मैंने लिस्ट आउट किए हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो पॉलिटेक्निक में ज्वाइन करने के लिए और वो जानने के लिए कि पॉलिटेक्निक होता क्या है, तो एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब कुछ क्लियर हो सके। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिटेक्निक। देखिए फ्रेंड्स, ये दो वर्ड्स को मिला के वर्ड बनता है पॉलिटेक्निक। पॉली मीन्स वेरियस, बहुत सारा, एंड टेक्निक मीन्स आर्ट होता है, स्किल होती है। तो ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है या फिर कॉलेज होता है जिसमें आपको बहुत सारे कला या फिर बहुत सारे आर्ट्स सिखाए जाते हैं। सो आप इसमें बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है या कौन सा कोर्स चूज़ करना है और आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज़ वाई पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंजीनियरिंग फील्ड में जाना होता है लेकिन बिकॉज ऑफ मैनी रीज़न वो ज्वाइन नहीं कर पाते। जैसे कि अगर आपका हायर एडुकेशन नहीं है, आपने सिर्फ टेंथ किया है लेकिन आप इंटरेस्टेड हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना है या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपको करना है, मीन्स आपको फर्दर स्टडी करना है या उस फील्ड में जाना है लेकिन आपका क्वालिफिकेशन नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो वो कोर्स के लिए, तो आप नहीं जा सकते उसमें। या फिर आपने ट्वेल्थ किया है लेकिन उसके बाद में आपका उतना एंट्रेंस एग्जाम में उतना आपका परसेंटेज नहीं आ रहा है, उतना रैंक नहीं आ रहा है, तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा बीटेक वगैरह में। और एल्स दूसरा है मनी प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें पैसे बहुत लगते हैं, उस रीज़न की वजह से भी बहुत लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो पॉलिटेक्निक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट चॉइस है बिकॉज आफ्टर टेंथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपका टेंथ हो जाएगा उसके बाद में आप एंट्रेंस एग्जाम देके डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप आईटीआई करके भी डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हो। मीन्स अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम टेंथ भी है तो भी आप एक इंजीनियरिंग लेवल का जो पोस्ट है, जो टैग है, वो ले सकते हो। जब आप पॉलिटेक्निकल पूरा कर लेते हो तो आपको एक जूनियर इंजीनियरिंग का टैग मिलता है। ओके, तो आई थिंक ये बेस्ट चॉइस है फॉर ऑल दैट स्टूडेंट जो किसी ना किसी रीज़न की वजह से हायर जो स्टडीज़ है वो नहीं कर पाते हैं। और इसमें जो फीस होती हैं जो पॉलिटेक्निक की, वो भी कम होती है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो उसमें काफ़ी कम होती है कंपेयर टू प्राइवेट, प्राइवेट में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन आई थिंक ये बेस्ट चॉइस है, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हो पॉलिटेक्निक। टाइप्स ऑफ पॉलिटेक्निक देखते हैं फ्रेंड्स, कितने टाइप्स की पॉलिटेक्निक होती है। तीन टाइप की होती है, एक प्राइवेट होती है, देन सेकेंड गवर्नमेंट होती है, एंड देन थर्ड वुमेन पॉलिटेक्निक होती है। क्या टेंथ करने के बाद में आप पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर सकते हो? यस, आप कर सकते हो। जैसे आपका टेंथ हो जाएगा आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद में आपका जो डिप्लोमा कोर्स होगा वो 3 साल का होगा। ओके, और 3 साल के अंडर में जो भी इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं वो सब कुछ 3 साल के अंडर में आते हैं। मैं आगे आपको और डिटेल में डिस्क्राइब करूँगी कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जो 3 साल के होते हैं। देन लेटरल एंट्री फॉर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एडमिशन सेकेंड ईयर में येस होता है। जैसे कि अगर आपने आईटीआई से किया हुआ है और आईटीआई के बाद में आपको फर्दर स्टडी करना है तो आप डिप्लोमा कर सकते हो। और जैसे आप डिप्लोमा में एडमिशन लोगे तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा, मतलब 3 साल का जो कोर्स है वो आपके लिए 2 साल का रह जाएगा। तो 2 साल आपने आईटीआई किया एंड देन 2 साल में आपका डिप्लोमा हो जाएगा। और अगर आपको फर्दर आगे करना है, जैसे कि डिग्री करना है, बीटेक करना है, तब उसमें भी एडमिशन ले सकते हो, उसमें भी आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा। मीन्स देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे कोई भी टेंथ जो क्वालिफिकेशन है जिसका वो लोग नहीं कर सकते डिग्री, लेकिन ऐसे वाया वाया करके आप अपना जो ड्रीम है उसे फुलफ़िल कर सकते हो, उसे पूरा कर सकते हो। तो ये भी एक टेक्निक आप इससे कर सकते हो। या फिर आप डिप्लोमा करने के बाद में आपको अगर बीटेक करना है तो भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा बीटेक में। तो
आपका 3 साल का डिप्लोमा और 3 साल का बीटेक, मतलब 6 साल में आपका डिग्री कोर्स हो जाएगा। ओके, हाउ टू अप्लाई फॉर पॉलीटेक्निक कोर्स एडमिशन। देखिए फ्रेंड्स, आप दो मेथड से अप्लाई कर सकते हो पॉलीटेक्निक में। पहला है एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हो, एंड दूसरा है जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कॉलेज का या बोर्ड का, आप उसको फुलफिल करोगे तो भी एडमिशन होगा। लेकिन पहले तो एंट्रेंस एग्जाम मेन है, बहुत सारे जो पॉलीटेक्निक्स है उसमें एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से ही एडमिशन होता है आपका। लेकिन जैसे सपोज कोई ITI से आ रहा है अपना वो करके, देन उसके बाद में वो डायरेक्टली डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं। पहला ज़्यादा चांसेस एंट्रेंस टेस्ट के होते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको इसमें एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। स्टेप फॉर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एडमिशन, अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हमें एडमिशन करना है। देखिए, जैसे आपका 10th का एग्जाम हो जाएगा, देन उसके बाद में आपको CET देना होता है, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम होता है, जो हर एक जो स्टेट होती है, जो स्टेट टेक्निकल बोर्ड होती है वो इसे कंडक्ट करती है। तो आपको ये सर्च करना होगा कि आपके स्टेट में ये CET एग्जाम्स कब कंडक्ट होंगे। तो उसका जो एक ऑनलाइन फॉर्म होता है CET का, वो जाके आपको वेबसाइट पे भरना होगा, और उसका एग्जाम डेट जब भी होगा वो एग्जाम आपको देना होगा। आपको ट्राई करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप इसमें स्कोर कर सकें मार्क्स, और आपके रैंक अच्छा है, बिकॉज इसका जो रैंक आता है उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। जितना ज़्यादा अच्छा आपका रैंक होगा, उतने ही आपको अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। आपका इसके में बाद में काउंसलिंग होगा, जिसमें आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। देन अगर आपका रैंक उस पर मैच करता है एलिजिबिलिटी पे, उनके कट ऑफ पे, तो फिर उन आपको उस पर वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स, लेकिन आपको स्कोर अच्छा करना होगा ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले। वहाँ पर आपका एक बेनिफिट ये है कि वहाँ पर फीस जो होती है वो कम होती है। अभी हम देखेंगे कि पॉलिटेक्निक कौन कौन सी कोर्सेज प्रोवाइड करती है आफ्टर 10th, मीन्स 10th के बाद आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो पॉलिटेक्निक से। आर्किटेक्चुरल असिस्टेंटशिप, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक कल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी, गारमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिजाइनर एंड डेकोरेशन, ये 2 साल का होता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा कोर्स है। देन लेदर टेक्नोलॉजी, फुटवेयर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है फ्रेंड्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में RAC में कर सकते हो, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टूल एंड डाई में कर सकते हो, मरीन इंजीनियरिंग में कर सकते हो, MLT कर सकते हो, मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, देन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, देन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, देन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इन वीविंग, ये सब आप कर सकते हो आफ्टर 10th। ओके, देन अगर आपको ITI के बाद अगर डिप्लोमा करना है पॉलिटेक्निक से, तो कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। देखिए, आप ड्राफ्टमैन इंजीनियरिंग कर सकते हो, मीन्स सिविल ड्राफ्टमैन भी कर सकते हो, और मैकेनिकल ड्राफ्टमैन इंजीनियरिंग भी कर सकते हो डिप्लोमा। देन फिटर इंजीनियरिंग कर सकते हो, टर्नर, देन IT एंड ESM इंजीनियरिंग, रेफ्रिजरेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मोटर व्हीकल MMV कर सकते हो, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर सकते हो, पैटर्न मेकर इंजीनियरिंग कर सकते हो, टर्नर मशीनिस्ट, दैन मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, वायरमैन इंजीनियरिंग, मैकेनिक रेडियो एंड TV इंजीनियरिंग, सर्वेयर इंजीनियरिंग, एंड मैकेनिक एग्रीकल्चर में भी आप कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, जैसे कि आप ITI करते हो, उसके बाद में आपको आपका क्वालिफिकेशन या पोस्ट बढ़ाना है तो आप उसमें भी डिप्लोमा कर सकते हो। देन 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। देखिए, अगर आपको डिप्लोमा के बाद करना है, तो अगर आपको फार्मेसी करनी है तो आप 12th के बाद कर सकते हो, आपका इसमें 12th एलिजिबिलिटी लगेगी। लेकिन 12th साइंस चाहिए, PCM या PCB होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो डिप्लोमा इन फार्मेसी में करने के लिए। एंड अगर आपको मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस करना है इंग्लिश या हिंदी में, तो इसमें आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर आपको हिंदी में करना है तो आपका हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें मिनिमम एग्रीगेट आपका 45% मार्क्स होना चाहिए और 12th पास होना चाहिए आपका, तो आप एलिजिबल हो ये डिप्लोमा कोर्स के लिए। देन आप पोस्ट डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, लाइक पोस्ट डिप्लोमा इन ऑटो एंड ट्रैक्टर, पोस्ट डिप्लोमा इन कैड और कैंप, या फिर इसमें PGTB होता है, जो 1 साल का कोर्स होता है फ्रेंड्स, वो भी कर सकते हो। सर्टिफिकेट कोर्स भी अवेलेबल है, स्किल टेक्नीशियन, देन स्किल मशीनिस्ट, मेंटेनेंस एंड क्वालिटी अश्योरेंस इंस्पेक्टर, ये सारे कोर्सेज हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स आपका कुछ 6 महीने का रहेगा। बेनिफिट्स क्या है पॉलिटेक्निक में कोर्स करने का, वो देखते हैं।
देखिए फ्रेंड, डायरेक्टली आप 10th के बाद में आप डिप्लोमा कर सकते हो और डिग्री भी कर सकते हो, तो आपका मिनिमम 6 साल में आपका दोनों डिप्लोमा और डिग्री कोर्स हो जाएगा। देन सेकेंड चीज़ ये है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी मिलेगा अगर आप पॉलिटेक्निक से कोर्स करते हो तो, कंपेयर टू अगर आप 12th करते हो तो उसमें ये डिफरेंस है, 12th और पॉलिटेक्निक कोर्स में आपको इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा जो आपको काम आएगा आगे इंडस्ट्री में। देन द 3 ईयर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मेक अ स्टूडेंट हाफ प्रोफेशनल इंजीनियर, और ये बहुत ही अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है जो भी स्टूडेंट्स को काफ़ी टेक्निकल चीज़ें सीखने का काफ़ी शौक है, तो वो स्कूलिंग के बाद में डायरेक्टली डिप्लोमा ज्वाइन कर सकते हैं रादर देन 12th करने से अच्छा है। और ये काफ़ी लेस कॉम्पिटिटिव है कंपेयर टू 12th करने के बाद। जैसे अगर आपको 12th इंजीनियरिंग कोर्स करना है तो आप 12th करते हो, उसके बाद में आप CET देते हो, उसके बाद में आपका इंजीनियरिंग कोर्स में सिलेक्शन होता है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है। लेकिन अगर आप 10th के बाद ही अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो फिर आप BTECH में जाते हो तो ये लेस कॉम्पिटिटिव होता है। डिप्लोमा डिग्री विल बी एडुकेट फॉर जूनियर इंजीनियरिंग जॉब, ये एक बेनिफिट है उसका। देन एक्सीलेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है गल्फ कंट्रीज़ में और कैंपस में, जब आप गवर्नमेंट का कोर्स, ये सॉरी, जो पॉलिटेक्निक का जो आप कोर्स पूरा करते हो तभी आपका लास्ट ईयर में आपके जो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है वहाँ पे सिलेक्शन हो जाते हैं स्टूडेंट्स के बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज़ में। तो आप डायरेक्टली डिप्लोमा के बाद अगर जॉब करना चाहो तो जॉब भी कर सकते हो। ये मैंने कुछ लिस्ट दिया है पॉलिटेक्निक कॉलेज के, जो भी टॉप्स कॉलेज है उसी के दिए, अदरवाइज हर स्टेट में पॉलिटेक्निक अवेलेबल है, आप उसके हिसाब से सर्च करके देख सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई, SR जोंधाले पॉलिटेक्निक थाने, VPM पॉलिटेक्निक थाने, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी पॉलिटेक्निक मुंबई, आदेश पॉलिटेक्निक कॉलेज मुक्तसर, अंजुमन पॉलिटेक्निक नागपुर, एंजल पॉलिटेक्निक नवी मुंबई, छोटू राम पॉलिटेक्निक रोहतक, देन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे एंड MEI पॉलिटेक्निक बेंगलोर। देन ये कुछ लिस्ट है वुमेन इंस्टीट्यूट्स के, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन इंडिया, साउथ दिल्ली पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन, कस्तूरबा पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से फ्रेंड्स ये मीराबाई पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन, इंटरनेशनल पॉलिटेक्निक फॉर वुमेन्स। देन देखिए हर स्टेट में है, UP कर्नाटका गुजरात पॉलिटेक्निक फॉर गर्ल गुजरात, देन हरियाणा केरला, हर एक स्टेट में अवेलेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो चाहे वुमेन के लिए हो, हर के लिए अवेलेबल है। तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि, और सर्च कर सकते हो कि हमें कौन से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कीजिए। जब आप CET का जब आपका एग्जाम रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में काउंसलिंग होता है, तो आपके पास चॉइस होता है कि आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद में आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। आई थिंक फ्रेंड्स इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे स्टूडेंट के लिए, जो लोग डायरेक्टली हायर क्वालिफिकेशन नहीं ले सकते हो तो थोड़ा सा वाया वाया करके भी ले सकते हो, और जिसको टेक्निकल सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो वो रादर देन 12th करने की जगह 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा कर सकते हो और अपना जो नॉलेज है जो स्किल है वो बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखा आपने कि पॉलिटेक्निक हमें कितने सारे कोर्सेज प्रोवाइड करती है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी कोर्स जो आप करना चाहते हो कंटिन्यू उसमें चूज़ कर सकते हो और अपना करियर उसमें बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड या पॉलिटेक्निक कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है कोई क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आंसर करूँगी आपके क्वेश्चन का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, उनकी भी हेल्प कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऑल द बेस्ट।